तभी तय किया था इनको स्टार्स नहीं, नहीं नहीं ऐसा, ये तो सब ईश्वर ईश्वर तय करता है। वो तो गदर में बच्चे को लेना उस वक्त मेरी मजबूरी थी, कोई बच्चा मिल नहीं रहा था, तो सब लोग शूटिंग पे जा रहे थे हम लोग, तो जी वालों ने बोला, फिर अमीषा पटेल ने बोला और भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि वाई नॉट उत्कर्ष। मैंने कहा 5 साल का इतना छोटा है, इसको कब, इसने कभी सोचे नहीं एक्टर बनना है, ये कैसे करेगा। बस फिर वो फैमिली में डिसीज़न हुआ और वाइफ से भी बात की मैंने और बच्चे से भी बात की, बच्चा तो भाग रहा था, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, घबरा रहा था। फिर उसको लगा, बेटे को लगा कि नहीं आज पापा की आवश्यकता है तो आई शुड हेल्प हिम, तो वो उसने रेडी हो गया। वो तो हमने लॉन्च होने के पहले काफ़ी तैयारी की, मतलब जी 4 साल US गया वो और वहाँ फिल्म डिग्री का पूरा कोर्स किया, अंडर ग्रेड किया, 12th के बाद गया और बाकायदा, क्योंकि अब इस लाइन में प्रोफेशनली आना है तो वाई नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ प्रोफेशनली। तो पूरा जद्दोजहद की उसने इस फिल्म को पाने के लिए भी, उसको मालूम था कि पापा उसको तभी फिल्म देंगे जब वो बहुत प्रिपेयर होगा। और बल्कि अमेरिका से वापस आने के बाद तो उसने मुझसे बोला कि भाई मैं पापा बाहर काम करना चाहता हूँ, बाहर मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, जीनियस मुझे बाहर वाला ही समझ ले, चल काम कर ले। तो जीनियस एक तरह की रोमांटिक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म, हाँ एक्शन रोमांटिक फिल्म है। हाँ तो कितना एक्शन और कितना रोमांस? बस 70-80% रोमांस है, बाकी एक्शन है। तो एज अ फर्स्ट टाइम स्टारर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। अब एज ए पिता बोलूँ या एज ए डायरेक्टर बोलूँ, एज ए पिता अपने बेटे की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, एज ए डायरेक्टर मेरे किसी भी कलाकार को, जो भी कलाकार है उसको अपने डायरेक्टर से अच्छा या बुरा सुनने का अधिकार है। तो एज ए डायरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, और एज ए पिता बोलूँ तो भाई अभी तो उसकी ज़िंदगी की शुरुआत है, बहुत कुछ आगे करना है। इशिता चौहान का चयन कैसे किया? इशिता चौहान बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लड़की है, और बस मैं बहुत लड़कियां ढूंढ रहा था 1.25 साल तक। मैंने वेबसाइट भी खोली, बहुत सारी चीज़ें की लड़की सर्च करने के लिए, लेकिन लड़कियां तो बहुत मिल रही थी बेचारी, बड़ी अच्छी अच्छी पारिवारिक लड़कियां थीं, सब आ रही थीं जा रही थीं, फिल्म मॉडल्स ये वो सब थे, सारी एजेंसियां लगी हुई थीं, लेकिन मुझे वो जो लड़की, एक इनोसेंस की एक लड़की चाहिए थी, समहाउ मेरे दिमाग को सूट नहीं हो रही थी। 1.25 साल लगा, देन आई फाउंड दिस गर्ल, दिस इज़ शी इज़ फ्रॉम पूना। अब बहुत ही अच्छी फैमिली है, उनके माँ बहुत अच्छी हैं और परिवार की तरह हैं ये लोग, और बस हो गया, उसके भाग में था, आ गई। नवाजुद्दीन नवाजुद्दीन साहब, क्या कहानी, एक जीनियस एक सुपर जीनियस की, एक जीनियस वासुदेव शास्त्री, एक सुपर जीनियस MRS, तो उसकी कहानी है। तो सुपर जीनियस के लिए मुझे लगा कि नवाजुद्दीन बहुत अच्छे रहेंगे, और उनको कहानी सुनाई, उन्होंने कहानी अप्रूव कर दी, और उत्कर्ष के संग काम करना उनको लगा, उत्कर्ष से बात करके उनको लगा कि इसके साथ काम करने में मज़ा आएगा, एंड ही सेड यस, एंड कहानी पिक्चर शुरू हो गई। आपकी फिल्मों में म्यूज़िक काफ़ी जोरदार जी, कोशिश करता हूँ। तो इस फिल्म के बहुत अच्छा, हिमेश रेशमिया ने कमाल का गाना गाया है, कमाल का म्यूज़िक दिया है, दिस अरिजीत, आतिफ, जुबिन नौटियाल, नेगी, सब लोगों ने गाने गाए हैं, और बहुत ही अच्छा है सब कुछ। लोकेशन 4 महीने में हमने 14 लोकेशनों में शूटिंग शिफ्ट की, 14 शहरों में, इट वाज मतलब बहुत ही मज़ेदार रहा, और 4 महीने में 14 शहर शिफ्ट करना आसान काम नहीं था, बट वी रियली एन्जॉय इट। आज यहाँ से वहाँ जाते थे, यहाँ से गाड़ी में बैठ के वहाँ जाते थे, वहाँ से प्लेन में बैठ के वहाँ जाते थे, और बहुत ही एक सपने की तरह है वो 4 महीने, अक्टूबर टू फरवरी। बस देखिए, अपेक्षा तो पूरी है, पूरी मेहनत पूरी हिम्मत के साथ पिक्चर बनाई है, और बेटे की पहली फिल्म है, तो हर किसी को लगता है कि पिता ने पुत्र के लिए फिल्म बनाई है तो पूरी मेहनत की होगी। मैं तो हर फिल्म में ही मेहनत करता हूँ, पिता के ने पुत्र के लिए बनाई इसलिए मेहनत नहीं की, हर फिल्म में मैं मेहनत ही करता हूँ, क्योंकि मैं अल्टीमेटली फिल्म ना किसी पुत्र के लिए बनाता ना किसी कलाकार के लिए, अल्टीमेटली फिल्म मैं पब्लिक के लिए बनाता हूँ। तो जब पब्लिक के लिए फिल्म बनाता हूँ तो मुझे पास अच्छी बनाने के सिवाय कोई चारा नहीं है, तो आई ट्राइड माई बेस्ट, एंड बाकी तो ये बैठे हैं सामने, ये जाने। आपके फिल्म में हमेशा राइटर का रोल अच्छा रहता है जी, डायलॉग्स में? हाँ, राइटिंग मेरे साथ जो भी राइटर होते हैं वो अच्छे होते हैं, मेहनत करते हैं। यहाँ भी मेरे साथ सुनील सरवैया और अमजद खान है, दोनों ने बहुत मेहनत की, अमजद और सुनील सरवैया ने, दोनों नए बच्चे हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में? बस आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में एक ही है, जीनियस जीनियस जीनियस। बात करने के लिए धन्यवाद। चल।